तेजस्वी यादव जी ने आज सुबह 50 ट्रेन का किराया देने की बात जब कही और बिहार सरकार से कहा कि हम 50 ट्रेन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से देते हैं उसका किराया, आप परेशान जो गरीब मजदूर छात्र हैं उनसे भाड़ा मत लीजिए। इसके बाद अपना फजीहत देख करके शर्मिंदगी जब सरकार को महसूस हुई बिहार सरकार को, तब सरकार ने आनन फानन में यह निर्णय लिया कि हम गरीब मजदूरों से छात्रों से पैसा किराया नहीं लेंगे और 500 रुपया उनको देंगे। देर से ही सही तेजस्वी यादव जी के दबाव के कारण सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भी जब ट्रेन चलाई गई थी तो तेजस्वी यादव जी ने जब 2000 बस देने की बात सरकार को कही तो फिर उस समय भी सरकार अपनी फजीहत से बचने के लिए ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने इस आपदा की घड़ी में संकट काल में परेशान हमारे बिहार के लोग मजदूर छात्र गरीबों के साथ जिस तरह का असंवेदनशील रवैया अपनाया, ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। ये सरकार केंद्र की और बिहार की डबल इंजन की सरकार गरीब विरोधी है, ये उजागर हो चुका है। और राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी यादव जी गरीबों के हक और हकूक के लिए हर समय खड़े रहने वाले हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आज राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के दबाव में आज गरीबों को मजदूरों को छात्रों को ये राहत मिली है, बिहार के लोगों को ये देश और दुनिया ने देखा।